फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। और आज है संडे और मैं बना रहा हूं संडे ब्लॉग। और आज कुछ यहां पे अपडेट्स भी हैं, कुछ गुड न्यूज़ भी हैं, कुछ बैड न्यूज़ भी हैं, और कुछ ग्रोथ भी है और कुछ ग्रोथ नहीं भी हुई है। और अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं हम जरा अपने नन्हे गिनी पिग से। तो ये देखिए, यहाँ पर ये चार गिनी पिग्स बचे हैं। ये जो बच्चे हैं तो ये वो वाले बच्चे हैं जो सब एक साथ हुए थे, हैमस्टर, रैट, गिनी पिग, तो ये उसमें से हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो इनकी ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो इसलिए चल रही है क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से अपनी माँ का दूध नहीं पिया। वो सिर्फ लगातार 2 दिन या 3 दिन तक इनको अपना दूध पिलाई थी, फिर उसके बाद इन लोगों को दूध नहीं मिला क्योंकि वो इनको भगा दे रही थी मार मार के। तो इसीलिए मैंने उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये ब्राउनी के साथ रहेगी तो थोड़ा सा ब्राउनी मारपीट के। ओ, ये क्या, ये यहाँ पे क्या कर रही है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, सॉरी भागो। ये देखिए, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि बाई चांस खाना वाना देते टाइम अगर गेट खुला रह गया तो ये फौरन ऊपर चली जाती है, और जब गेट को ये ऊपर चढ़ती है तो मेरे ख्याल से देखिए ये सरक के बंद हो जाता है। तो ये देखिए अब यहाँ नीचे आ गई है, और इसके लिए दूसरा केज हमने कर दिया था क्योंकि यहाँ पे कोको ने बच्चे दे दिए। और उम्मीद है आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी कोको के बच्चों की, तो अगर नहीं देखी है तो ये देखिए आज संडे व्लॉग जो मिक्स एपिसोड है यहाँ पे मैं मिलाता हूँ। ये देखिए इन नन्हे मुन्हों के अब बाल आ चुके हैं, और यहाँ देखिए ये एक इधर बैठा हुआ है, एक यहाँ पे है, एक इस कोने में है, और दो यहाँ पे हैं। देखिए 5 बच्चे हैं टोटल। और ये देखिए अब इन लोगों ने चलना भागना फिरना भी शुरू कर दिया, तो अभी फ़िलहाल इनको छोड़ देते हैं बाहर घूमने के लिए। और ये देखिए यही होता है रैबिट्स के छोटे बच्चों में, इनको नींद इतनी ज़बरदस्त आती है कि दुनिया तेल लेने जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन लोगों को। ये देखिए अभी भी नींद में, वहाँ पे देखिए ये बाकी भी नींद में। तो अभी फ़िलहाल इन लोगों ने चेक नहीं किया मेल कौन है फीमेल कौन है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, अगर आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लग रही हो क्योंकि मेरा इस समय गला बैठा है, तबीयत ख़राब है, तो शायद आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। तो यहाँ देखिए ये रहे मेरे बाकी के गिनी पिग्स, और ये आपको याद होगा इसका नाम मैंने रखा था ब्रूनो क्योंकि ये ब्राउन रंग का है और ब्राउनी से थोड़ा थोड़ा मैच करता है लेकिन इसका कलर बिल्कुल अलग है। तो अभी फ़िलहाल गर्मी बहुत तगड़ी है, तो यहाँ पे सबसे कॉमन चीज़ जो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है पानी। मैंने पानी यहाँ पे सबके लिए रखा हुआ है, हैमस्टर, रैट, चाहे जो भी हो, सबके लिए पानी बना के रखा है। और घर में बोल दिया है सबको कि कोई भी यहाँ पानी कम देखे तो तुरंत पानी डाल दे केज के अंदर, क्योंकि ये देखिए ये लोग यहाँ पानी को बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी पीते हैं, और पीने के साथ साथ ये लोग गिराते भी ज़्यादा हैं क्योंकि इसी में हाथ डाल देते हैं, फिर इसमें मुंह से पानी को उछालते हैं ताकि थोड़ा बहुत इनके ऊपर एक स्प्रे टाइप का हो और इनको गर्मी ना लगे। और दूसरी चीज़, इस कमरे में पंखा रेगुलर चलता रहता है, कूलर तो खैर नहीं है लेकिन ये क्योंकि जो रूम है वो एक साइड का कॉर्नर का है और हमारे घर के आगे पीछे भी घर बना हुआ है तो बिल्कुल ठंडा रहता है रूम, लेकिन उसके बाद भी 24 घंटा मैं 4 पे पंखे को चला के छोड़ देता हूँ ताकि इन लोगों को कहीं से भी कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, गर्मी ना लगे, और वही हाल इन लोगों का है। और यहाँ देखिए मुझे तो लगता है इन लोगों के लिए कैरेट ही काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बड़े मैदान की तरह है क्योंकि कई बार देखा हूँ काफ़ी खेलते कूदते हैं ये लोग, भागते रहते हैं इसमें। और ये कैरेट आप लोगों को याद होगा, इसी कैरेट में ब्राउनी ने बच्चे दिए थे, ब्राउनी के बच्चे बड़े हुए, ब्राउनी की बेटी ने इसी में बच्चे दिए, और कुछ ही दिनों में ये लोग भी बड़े होंगे और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे सेल के लिए हो जाएंगे क्योंकि इनमें से जो 2 थे 3D के बच्चे वो सेल हो गए और काफ़ी अच्छे ओनर के हाथ गए हैं वो, काफ़ी अच्छे घर पर। अब बात करते हैं हम अपने इन नन्हे हैमस्टर्स के बारे में, और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे फ्रंट में ये जो मैंने गत्ता लगाया हुआ है, ये लगाने का रीज़न ये था कि यहाँ पे देखिए कोकोपीट, कोकोपीट का क्या हाल हुआ, कोकोपीट पूरी की पूरी इन्होंने गायब कर दी, और गायब मतलब कि इन्होंने उसको जब काटना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे बारीक रेत में पूरी बदल गई और काफ़ी बारीक हो गई कोकोपीट, जिसकी वजह से वो सब कुछ ट्रे में चली गई। और उसके बाद होता क्या है, ये लोग जब थोड़ा बहुत खेलने के मूड में होते हैं तो कोकोपीट को अपने पिछले पैरों से उठा के काफ़ी ज़ोर से फेंकते जिससे कि ये बाउंड्री भी पार कर जा रहा था। तो अभी फ़िलहाल वीडियो बनाने से पहले मैंने इसमें लगाया था क्योंकि मैं यहाँ बैठ के जब पढ़ रहा था तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग कोकोपीट उड़ा रहे थे तो इसलिए मैंने लगा दिया था। तो अभी देखिए यहाँ अभी तो कोकोपीट नहीं उड़ा है, लेकिन ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चों को, ये सब अब बड़े हो गए हैं और एक ही महीने बाद ये भी ब्रीड के लिए तैयार हो जाएंगे।
दूसरी चीज़, यहाँ पे एक गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दोनों है, क्योंकि अभी हुआ क्या था, दो चार दिन पहले यहाँ जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इस वाली हैमस्टर ने यानी कि फीमेल हैमस्टर ने 4 बच्चों को जन्म दिया था, और 4 के ही 4 बच्चे एक ही दिन में ख़त्म हो गए। और ये क्यों हुए थे, किस वजह से हुए थे, इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो डालने वाला हूँ, ताकि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा ना हो कि आप ब्रीडिंग करवाते हैं या बाई चांस कर लिए हैं तो ऐसी कौन सी कमी छूट जाती है जिससे कि हैमस्टर्स के बच्चे मर जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये देखिए मेरे यहाँ पे 2 हैमस्टर्स के बच्चे कितने अच्छे से हैं, और अभी गर्मी के टाइम पे ये लोग भी हुए हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 से 20 दिन के होंगे, तो 15-20 दिन पहले किस हिसाब की गर्मी थी नहीं थी ये आप लोगों को भी पता होगा। तो अभी फ़िलहाल इनको छोड़ते हैं और आते हैं यहाँ इन नन्हे मुन्नों पर। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, आप लोगों को शायद याद हो, जिसमें मैंने पूरा एक प्रॉपर सेटअप बनाया था इस और इस केज को जोड़ के, तो रीज़न वही था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया हैमस्टर्स के बारे में, तो इसलिए मैंने केज को फिर से हटा दिया और इन नन्हे बच्चों को इसमें डाल दिया, क्योंकि जो इनका फादर है वो अब इनके बड़े होने की वजह से बार बार ब्रीडिंग के उस पर आ रहा था, और ब्रीडिंग में आने पर ये होता है कि वो मेल जो है वो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी ब्रीड कर सकते हैं, वरना अग्रेसिव होके उनको मार सकते हैं। और कई बार क्या होता है, जब मेल ऑन हीट आते हैं तो उन्हीं के ये जो बच्चे हैं, जो कि अब टीनेजर्स कह सकते हैं इन रैट्स के हिसाब से, क्योंकि एज तो उतनी ज़्यादा इनकी है नहीं, तो ये मेल को अगर काटते खरोचते हैं, उनके साथ खेलने की कोशिश करते हैं, तो मेल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जिससे कि वो इनको काट के और फिर इनका काम ख़त्म कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल इनके माँ बाप को तो मैंने छोड़ रखा है ऑन ब्रीडिंग, लेकिन अभी ब्रीड नहीं करेगी फीमेल, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो पूरा एक मंथ बाद में ही ब्रीड करती है, क्योंकि हर 1-2 महीने बाद ही वो बच्चे देती है, ऐसा नहीं कि रेगुलर ही वो ब्रीड करे और देते रहे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं ज़रा हम फिशेस की। तो यहाँ देखिए हम आ गए हैं मेरे बेटा फिश के पास, और यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं इसका जो कलर है और इसकी क्वालिटी, ये धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, लेकिन जो कलर की क्वालिटी है वो काफ़ी अलग हो गई है, यानी कि जैसे ये पहले एकदम ब्लड रेड की तरह था, अब इसके ब्लड रेड में यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक ब्लू शेड आ गया है, जिससे कि बिल्कुल अलग किलर जैसा इसका लुक आ गया। क्योंकि इसको फीड में मैं नॉनवेज ही दे रहा हूँ, नॉनवेज में जैसे कि लाइव फूड जो भी इनका होता है, तो इसीलिए इसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग हो गई है। और यहाँ पर देखिए कितना अग्रेसिव और एक बहुत ज़बरदस्त लॉयन जैसा इसका जो लुक है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसको सब कुछ लाइव दे रहा हूँ मैं खाने के लिए, और नॉनवेज में ये वैसे तो जो चिकन लीवर होता है उसको बॉईल करके मैं बिल्कुल समझ लीजिए एक मोती जितना बड़ा टुकड़ा इसको देता हूँ, ताकि ये थोड़ा बहुत खाए और जितना खाना उतना ही खाए, काट पीट के वेस्ट ना करे एक्वेरियम में। और जैसे ये खा लेता है तो धागे से बंधे रहते हैं वो लोग, फिर उसके बाद उसको मैं खींच लेता हूँ और फिर फेंक देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये टैंक थोड़ा सा खाली है, मैं आज गया था इनके लिए बेटा फिश के लिए टैंक मेट्स लाने के लिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया, लेकिन हुआ क्या कि जब मैं वहाँ पे गया तो ना तो कॉरिडोर्स थी, ना ही लोचेस थी, और ना ही कोई दूसरी मछली दिखी, तो मैंने प्लेटी भी ढूंढी, लेकिन प्लेटी काफ़ी छोटी छोटी थी, जिससे कि मुझे ठीक नहीं लगा इसके लिए लेना, और प्लेटी ज़्यादा छोटी रहने पर यह कि ये काफ़ी दिनों से अकेला इस टैंक में, तो दिक्कत ये हो सकती थी ये उन बच्चों को मार सकता था, तो इसीलिए मैंने लिया नहीं। और बाकी श्रिंप मिलना तो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं अगले संडे तक कोशिश करूँगा कि जो भी टैंक बिट्स बताए थे कम से कम उनमें से 2-3 मैं लाऊं, और फिर उसके बाद एक पूरा इनका जो सेटअप बनेगा और आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी वो बहुत मज़ेदार और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगी। तो अभी फ़िलहाल आते हैं ज़रा यहाँ, ये देखिए लाइट ऑफ कर रखिए, क्योंकि लाइट ऑन करने के बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाती हैं और एक जगह पर टिक जाती हैं। देखिए लाइट ऑफ है तो अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ वहाँ ठहर रही हैं, तो ये देखिए अभी मैंने यहाँ पर लाइट चालू कर दी है, और अब हम लोग देख सकते हैं इनका कलर। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए जिस वजह से मैं लाइट चालू नहीं कर रहा था वो थी ये ग्लो टेट्रास, ये लाइट चालू करने पे बहुत ज़्यादा शांत हो जाती है, और अगर हमारे पास ब्लू वाली लाइट हो तो ये काफ़ी ज़्यादा चहल पहल में रहती है, क्योंकि ये जो वाइट लाइट है एक्चुअली में होता है कि वाइट लाइट मछलियों की आँख पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार अगर आपके पास शार्क है तो वाइट लाइट की वजह से उसकी आँखें काफ़ी धुंधली धुंधली होने लगती हैं। लेकिन मैं ज़्यादा चालू नहीं रखता हूँ, रूम लाइट जो है बस उसी पे रखता हूँ लोगों, क्योंकि वो फ्रंट में है तो इन लोगों पे भी लाइट पड़ती है थोड़ा बहुत, तो जिससे कि इनका कलर दिखता है। तो अभी यहाँ पे ये जो डेनियस एग्लोडन है इनकी ब्रीड कराएंगे कुछ दिनों में, तो यहाँ लेकिन इनको अभी खिला पिला के थोड़ा सा हेल्दी और करना है, और इंतज़ार करना है सीज़न का, क्योंकि मई का हो रहा है एंड धीरे धीरे,
और जून जुलाई फिर उसके बाद जब बरसात का मौसम आएगा तो वो सबसे परफेक्ट रहेगा मछलियों के लिए, क्योंकि बरसात के सीज़न में मछलियां जब ब्रीड करती हैं तो वो हमेशा सक्सेसफुल जाती है, सभी बच्चे उसमें हैच होते हैं, सबके सब हेल्दी होते हैं और बच्चों के पास खाने पीने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए, ये दो लोग रह गए थे, तो इनका क्या हुआ कि दूसरी ओर जो मैंने यहाँ पे सेटअप किया था ये वाला, तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे इन लोगों को रख दिया थोड़ा सा ऊंचाई पे। तो ऊंचाई पे रखने का फ़ायदा ये है कि इन लोगों को जो लाइट पड़ती है, लाइट की वजह से काफ़ी हद तक ये लोग ब्रीड करते हैं, ऐसा मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके पास बजीज हैं और उन्होंने कहा था कि मेरे भी पहले ब्रीड नहीं करते थे, लेकिन मैंने उठा के उसको, जिसको हम टाँड कहते हैं हिंदी में, टाँड यानी कि मचान जो भी कह सकते हैं उसको यूपी के लैंग्वेज में, तो उन्होंने उस पर रख दिया, जैसे कि जो नॉर्मल लाइट उन पर पड़ती थी तो उससे वो लोग ब्रीड जल्दी करते थे, ऐसा जो भी उनका कहना था। तो मैंने ऐसा करके देखा और एक हफ्ते में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, जो कि ये था कि मेल ने ब्रीड की और अब इसने ब्रीड की है तो शायद एग दे दे, लेकिन अभी क्योंकि सीज़न नहीं है, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो शायद एग देने के बाद ये हैच ना करे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी हांडी के अंदर। और बात में यहाँ पे आते हम लोग, ये देखिए फिंचेस को, यहाँ पे आपने देखा ये वाइट वाली जो फिंच है मेरी, ये काफ़ी ज़्यादा समझदार है और ये बिल्कुल निडर है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके सामने चाहे बजीज हो या हैमस्टर गिनी पिग रैट कोई भी हो, ये एकदम छाती चौड़ा करके बिल्कुल वहीं पर खड़ी रहती है। और दूसरा है वहाँ जैबरा फिंच को देखिए, ये जैबरा फिंच तुरंत सामने आते ही चाहे कोई भी आ जाए ये तुरंत डर के मारे अंदर उसमें चली जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों का सेटअप करने से फ़ायदा ये है कि दोनों ने ही ब्रीड किए और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो चलिए फिलहाल वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, अभी वीडियो को एंड करते हैं और अब मिलेंगे इन सब के नए नए एपिसोड्स में, नए नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपने पेट्स का ध्यान रखिए और कमेंट्स में सुझाव देते रहें कि और किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अपने पेट्स का ध्यान रखिए, बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।